नाजरीन, इस वक्त हम आपको आगाह करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज से। फरियाल मर्डर केस में हुई है एक अहम पेशरफ्त। सीसीटीवी फुटेजेस हमारे चैनल को हासिल हो चुके हैं, जिसमें वाजह तौर पर कातिल का चेहरा देखा जा सकता है। कातिल मकतूला से किसी बात पर बहस करता है और हाथ पकड़कर धमकाता है। मकतूला की मजामत करने पर वो उनके मुंह पर तेजाब फेंककर तेजी से फरार हो जाता है। कातिल की निशानदेही हो चुकी है और पुलिस जल्द ही कातिल को गिरफ्तार कर लेगी। मकतूला के स्टाफ मेंबर का कहना है कि मकतूला के माजी में इस शख्स से गहरे मरासिम थे। बाद में शादी से इनकार पर इस लड़की पर तजाब निकल गया। उनके कोई बीच में कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा सीजन था कि उनके कोई प्यार व्यार तो करते थे शायद, तो बाद में ऐसी सिचुएशन हुई, वो तंग करने लगा या कुछ करने लगा, उस वजह से इस स्टेज पर आ गए थे। वो दोनों उन्होंने तेजाब फेंक दिया। जब वो लड़का आ जाना था तो फरियाल उनसे डर के कहते उधर चली जाती। अच्छा, आप जरा मुझे बताएं, आपसे कभी उन्होंने कोई खुल के कुछ बताया? अरे नहीं, इस लड़के का खौफ इतना था उसके दिल में, वो किसी से कोई बात ही शेयर नहीं करती थी। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ थोड़े बहुत ताल्लुकात उनके जरूर थे, जिसकी बिना पर ये जो खतरनाक वाकया है। क्या बकवास है ये, फरियाल का कोई अफेयर नहीं था उसके साथ। तो फिर कौन था वो? बस मैं ट्रैवल करता था फरियाल को देखने के लिए, दोस्ती की पेशकश भी की। जब फरियाल ने कहा कि अपने घर वालों को भेजो रिश्ते के लिए, तो जानती है उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो उस जैसी मामूली लड़की से शादी नहीं करेगा। अगर दोस्ती करना चाहती है तो कार्ड रख ले। फरियाल ने उसी वक्त उसका कार्ड फाड़ के उसके मुंह पे दे मारा। उसके बाद वो उसको ब्लैकमेल करता रहा। फरियाल को तो रिश्ता भी तय हो गया था अपने कजन के साथ, सब तैयारियां हो गई थी, लेकिन वो उसको धमकाता रहा। दो बार तो मेरे सामने उसने उसका रास्ता रोका। तो तुम ये सब मीडिया के सामने क्यों नहीं बोल देती? कोई फर्क नहीं पड़ता मीना, मीडिया वालों को सिर्फ अपनी चटपटी खबरें बेचनी होती। उनकी इन बेबुनियाद बातों से फरियाद के माँ बाप पे क्या गुजर रही है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन था जिसका मर्डर हुआ है? उसकी रूममेट थी शायद। कितना मजा आता ना अगर उसकी जगह वो होती। कहीं इस मर्डर के पीछे तुम्हारा या तुम्हारे बाप का हाथ तो नहीं है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं किसी का मर्डर करूंगी? और डैड को तो इस सारी बात का पता भी नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ और तुम्हारे बाप की भी मैं रग रग से वाकिफ हूँ। अपने मतलब के लिए तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते हो, और किसी की जान लेना वो तो तुम लोगों के लिए एक मामूली सी बात है। मॉम, आपको अगर अपने शौहर पे नहीं तो कम अज कम अपनी बेटी पे भरोसा होना चाहिए। मैं सुल्तान की मोहब्बत में पागल जरूर हूँ, मगर किसी की जान नहीं लूंगी। छोड़ दो सुल्तान की जासूसी करना और उस लड़की का पीछा करना, कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। अरे इलेक्शन सर पर है, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारे बाप के इज्जत और उसके नाम को कोई धब्बा लगे। कहीं जा रही हो? फरियाल के घर जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद हैदराबाद भी जाऊंगी। तुम चलोगी? मेरी तो ड्यूटी है, वरना जरूर चलती। हेलो जी, मैं नगीन बात कर रही हूँ। कौन से चैनल से? देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हाँ, फरियाल मेरी रूममेट थी और मैं उसकी दोस्त भी थी, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। जब मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं, तो फिर मैं बात क्यों करूं? आप लोग प्लीज डिस्टर्ब करना बंद करेंगे।
फरियाल अहमद के घर के बाहर जिन्हें कल रात बेरहमी से कत्ल करके मार दिया गया। बहुत चुलबुली, बेहद मिलनसार, जिंदगी से भरपूर और हमेशा खुश रहने वाली फरियाल अहमद, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी ऐसे खत्म हो जाएगी, उनके सारे ख्वाब बिखर जाएंगे, उनकी हंसी कभी वापस नहीं आ सकेगी। आइए नाज़रीन इस बारे में उनके रिश्तेदारों से बात करते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं फरियाल के वालिद से, जो 3 साल से कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। ये देख सकते हैं आप फरियाल के वालिद बैठे हुए। जी, फरियाल आपकी इकलौती बेटी थी और इन तरह वाहिद कफील भी। उसके साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ गया, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, और हुकूमत की तरफ से आपको कोई माली मदद की पेशकश हुई? हम लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत बड़े हादसे से। आप लोगों के सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो नाज़रीन, ये है वो बदनसीब माँ जिनकी बेटी को कल शाम बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी इस माँ के दिल पर जब इन्होंने अपनी बेटी का झुलसता हुआ चेहरा देखा होगा। क्या आप हमें कुछ बताएंगे, जब ये वाकया पेश आया उस वक्त आप कहाँ थी? मैं तो घर पे थी, मुझे क्या मालूम। मेरी बच्ची साल में आई है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं अफसोसनाक खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं, जिसका नाम है बहुत।